हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी माध्यम में मैं YouTube के माध्यम से आज कल से उन्हें वीडियो प्रोवाइड होगा, मतलब 25 से, तो आज 24 को मैं बना रहा हूँ। कल से आपको हर एक दिन एक एक पार्ट या दो पार्ट देखेंगे, एक पार्ट निश्चित रूप से या वीडियो आप लोग को मिलेगा। बहुत से छात्र हिंदी मीडियम के आते थे और वो बोलते थे कि हम लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ना है, समय का अभाव के चलते नहीं ऐसा हो पाता था, लेकिन इस बार कुछ हालात ऐसा आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत से छात्र जो घर पे फंसे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए मेरे दिमाग में शुरू से ही यह बातें थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ। इस बार ऐसा मौका मिल पाया तो हम लोग NCERT को इसमें आधार बनाए हैं। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आप जाने, जैसे अवकलन है उसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आपको पता ही होगा। मेरा नाम हो गया सेतु, सिंपल एंड ईजी टेक्निक फॉर यू, तो जो नाम है उसी हिसाब से आपको मेथड भी मिलेगा। यह पहला चैप्टर है अवकलन। किसी भी फलन का अवकलन किस तरह से किया जाता है, फलन का अवकलन को किस तरह से किया जाता है, डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, इसके लिए पहले हम कुछ सूत्र लिख देंगे। 11वीं कक्षा में आप लोग इस पे जरूर डिफ्रेंसिएशन को पढ़े होंगे, तो मैं पहले आज सूत्र लिख देता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि कल जब आप आएंगे, यानी अगली क्लास में जब आएंगे, तो सारे के सारे सूत्र आपको याद रहेगा। क्लास अगर खुल भी जाती है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहिएगा, मैं पूरा 12 NCERT आपको पढ़ा दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सूत्र। पहला d/dx का पावर n, nxn-1। दूसरा सूत्र d/dx रूट x, यह होता है 1/2√x। तीसरा d/dx e का पावर x, यह होता है ex। चौथा d/dx sin x, यह होता है cos x। पांचवा d/dx cos x, इसका सूत्र होता है -sin x। छठा d/dx tan x, इसका सूत्र होता है sec2x। सातवा d/dx cosec x, इसका सूत्र होता है -cosec x इंटू cot x। d/dx sec x, इसका सूत्र होता है sec x इंटू tan x। d/dx cot x, इसका सूत्र होता है -cosec2x। d/dx log x, इसका होता है 1/x। d/dx 1/x, इसका सूत्र होता है -1/x2। d/dx a का पावर x, इसका सूत्र होता है ax into log a। तो सबसे पहले मैं 11वीं कक्षा का जो अवकलन अध्याय है उसे पढ़ाऊंगा, फिर जो 12वीं का है उसे प्रारंभ करूंगा। 11वीं कक्षा में कुछ छात्र जो पढ़े होंगे, हो सकता है भूल रहे होंगे, कुछ छात्र ऐसे रहे होंगे जो नहीं पढ़ पाए होंगे, तो पहले 11वीं का अवकलन हम लोग देखेंगे। इसका सारा सूत्र को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सूत्र निश्चित रूप से लिख लिया करेंगे और याद करके रहेंगे। मैं कुछ इस पे आधारित प्रश्न भी बता देता हूँ, इस पे आधारित, इस सूत्र पे आधारित, उम्मीद है उतार लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। हम लोग जब सूत्र लिख रहे थे तो d/dx x का पावर है n x n-1,
या सूत्र है, इस पे संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर आपको x का पावर 5 का अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सम्मान में इसका अवकलन करना है? x के सम्मान में। क्या फॉर्मूला है, सूत्र क्या लिखा हुआ है? n x n माइनस 1। अब n यहाँ क्या है? n है 5, n 5 है, 5 x 5 में से 1 का कितना हो जाएगा, ये 5x4। अच्छा, मान लीजिए इसी टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन आपको हो, एक्स क्यूब हो, अब इसका कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, 3, यही सूत्र हम लोग लगाएंगे, 3x3-1 कितना हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए ई वाला क्वेश्चन आपको दे दिया, एक्स का पावर 3/2। अब तो भिन्न है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि पूर्णांक संयम रहेगा तब भी यह सूत्र लगेगा, यहाँ तो भिन्न दे दिया। घबराने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, अगर भिन्न भी है तो यही सूत्र लगेगा, 3/2x 3/2-1 3/2x। 3/2 का मतलब क्या समझते हैं? डेढ़ में से एक चले गया, आधा बचेगा, मतलब 1/2। एक और देख लें क्वेश्चन, d/dx(x^-5). अब इसका अवकलन करना है, क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला लगेगा, nxn-1 -5x-5-1 -5x-6। एक और देख ले, पांचवा नंबर, आज मैं ज्यादा नहीं इसमें बता रहा हूँ, कल से हम लोग इसको सीखेंगे, आप वीडियो देखते रहिएगा, निश्चित रूप से इसका बेनिफिट आप लाभान्वित होंगे। d/dx(x^-8), इसका अवकलन क्या होगा? यही फॉर्मूला, यही सूत्र लगेगा, क्या हो जाएगा? -8x-8-1 कितना इसका आंसर होगा? -8x, दोनों जगह ऋणात्मक चिन्ह है, तो -9 हो जाएगा। आज मैं बस 5 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, हम लोग इस सीरीज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसका उम्मीद करते हैं कि जो सूत्र आज हम लिखे उस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। तो इस श्रृंखला में हम लोग पहले 11वीं का, उसके बाद 12वीं का, आपको धीरे धीरे आगे चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे, अध्याय को करते जाएंगे, कहीं भी कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। हम लोग NCERT को पुस्तक पे आधारित प्रश्न को हल करने का, और कुछ अलग प्रश्न भी हम हल करवा देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसे निश्चित रूप से आप देखिएगा। धन्यवाद।